मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि कुछ सवाल जो आपके मन में हों दोनों के लिए आप नोट कर लीजिए और अपने नियरेस्ट पोडियम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे, अगर वक्त थोड़ा सा निकालेंगे तो हम आपके कुछ सवाल लेना चाहेंगे। वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, कोशिश हम जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आजकल मित्रों कहते हैं कि आज के दौर में शिद्दत से, ईमानदारी से जीना यानी अपनी शर्तों पे जीना बड़ी मुश्किल से होता है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हम सलाम करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, किसान परिवार में जन्मे और मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो कुछ योजनाएं राज्य में चलाई और राज्य के विकास को लेकर जो रथ आगे बढ़ा तो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे बीच उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। और आज हम सम्मानित कर रहे हैं आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, BCS के कमेटी मेंबर्स माशेलकर जी, बटकर जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड, राहुल कराड, आप सबकी ओर से आदर्श मुख्यमंत्री का पुरस्कार। भारतीय छात्र संसद के मंच से ये पहला आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार जो इस वर्ष से हमने शुरू किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम। और अब हम निवेदन करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, छात्र संसद में आए सभी बहनों और भाइयों की। ठीक है, इस मंच पर विराजमान तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोप संग सांगे जी, मैं इस छात्र संसद में उनका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, ये कहावत है मध्य प्रदेश में। मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र के विकास में एक नया इतिहास रचेंगे। मेरे मित्र भाई देवेंद्र फडणवीस जी, पुणे के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल सरोले जी, सचमुच में जिनसे सम्मान ग्रहण करके मैं स्वयं धन्य हुआ हूं उनको प्रणाम करता हूं। भारतीय छात्र संसद के चेयरमैन पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ मासेलकर जी, पद्मश्री डॉक्टर विजय भाटकर जी, आदरणीय श्रीमान डॉक्टर विश्वनाथ करा जी, अभय फिरोदिया जी, मेरे भाई राहुल जी, शैलजा कांत जी, मंचासीन बाकी सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित वरिष्ठगण और मेरे सभी भांजे और भांजियों, क्योंकि मध्य प्रदेश के बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं तो यहाँ वालों का भी मामा हुआ। आज यहाँ आपके बीच में आके सचमुच में मैंने आपको धन्य नहीं किया, मैं स्वयं धन्य हुआ हूँ। इतनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हों, करार साहब ऐसा अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा। पब्लिक मीटिंग में जनता भी घंटा डेढ़ घंटा में उठ के जाने लगती है, आप कितने घंटा से बैठे हैं? इतने अनुशासित बैठे मैं आपको सचमुच में प्रणाम करता हूं, आप सबको सलूट करता हूं। यह MIT की विशेषता है, लेकिन यहां आके प्रसन्न होने का दूसरा कारण भी है। पुरस्कार तो एक बहाना था, मुझे तो आपसे मिलने आना था। जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता हूं।
वैसे तो पूरे देश से प्यार करता हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की बात ही कुछ और है। मी महाराष्ट्राचा जमाई आहे, लेकिन सचमुच आज मासेलकर जी ने, बा डॉक्टर भाटकर जी ने ये पुणेरी पगड़ी मुझे पहनाई है। अपने देश में इससे बड़ा कोई दूसरा सम्मान होता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी के मान और सम्मान पर और शान पर किसी भी कीमत पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, लेकिन आज जीजा माता का भी जन्मदिन है। वो जीजा माता जिसने वीर शिवाजी को, छत्रपति महाराज शिवाजी को जन्म दिया था, जो केवल वीर नहीं थे, सुशासन के प्रतीक भी थे। सच में उनको देख के ही अलग तरह की प्रेरणा मिलती है। मैं जीजा माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखो मुल्क मराठों का, ये यहां शिवाजी डोला था। और स्वामी विवेकानंद जी बचपन से मेरी प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता रहूं। मैं तो एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक साधारण सामान्य परिवार में पैदा हुआ, लेकिन विवेकानंद जी के वो वाक्य आज तक हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा था, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमर आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। सचमुच में कोई काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। और मुझे भी लगता है, सचमुच में अब लगता है कि जब गांव में पैदा हुआ, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ नौजवान काम करते करते मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, तो मेरे जैसा साधारण हाड़ मास का पुतला जब ये कर सकता है, तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम तुम क्यों नहीं कर सकते। आज मैं सब नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को कमतर मत आंको। अगर सचमुच में तुम ठान लो, बड़ा लक्ष्य तय कर लो और उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो, तो सचमुच में तुम बाकी काम तो छोड़ दो, ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकते हो। सचमुच में कर सकते हो, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। जरूरत है तय करने की, फैसला करने की, निश्चय करने की, उसका रोड मैप बनाने की, उसका कड़ाई से पालन करने की। और सच में हम सबको अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए, कैसे बेहतर से बेहतर मानव जीवन हम, कैसे बेहतर से बेहतर मानव जीवन जिए। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया, कराड़ साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वर्ल्ड पीस सेंटर मैंने देखा, सचमुच में भारत भूमि है, भारत भूमि, जैसे आज नहीं हजारों साल पहले कहा था, हजारों साल पहले। सही कह रहे थे कराड़ साहब, काहे के झगड़े, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना हमारे यहाँ कहा गया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, लेकिन भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। जाओ किसी भी रास्ते, पहुंचोगे उस परमपिता परमात्मा तक, जो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, किसी भी रास्ते जाओ अंततः पहुंचोगे उस परमपिता परमात्मा तक। तुम्हारा रास्ता जो अच्छा लगे उस रास्ते को अपनाने का काम करो। आज जब कई जगह मत मतांतर दिखाई देते हैं, तब हमको लगता है ये भारत की भूमि, जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा है ये तेरा है। ये छोड़ सोचे दिलवा छोटे दिलवालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया को एक परिवार मानने वाला भारत हमारा। और सचमुच में वैचारिक चमत्कार अगर कहीं देखोगे तो इसी धरती पर हुआ है, ये भारत है। जिसमें कई लोगों ने कहा हम तो साकार को मानते हैं, भगवान को पूजेंगे, उनका मानिए। कुछ लोगों का भगवान मूर्ति में कैसे आ सकता है, भगवान की मूर्ति में आ सकता है, हम तो निराकार को मानते हैं। कहले ठीक है आप निराकार को पूजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आए
कह रहे भगवान है ही नहीं, आत्मा परमात्मा होती नहीं है। आपने आपने सुना होगा हमारे यहाँ ऐसे भी संत हुए हैं जिनको ऋषि कहा गया है, जिन्होंने कहा यावत जीवेद सुखम जीवेद रम कितवा घृतम पीवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेके भी घी पियो, ये शरीर तो माटी में मिल जाने वाला है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो भारत ने कहा वाह क्या विचार है, इसने नया विचार दे दिया, इसको भी महर्षि मान के सम्मान करो। ऐसा भारत दुनिया में कोई देश मिलेगा? ये वो भारत जिसने आज नहीं हजारों साल पहले, मैं तो सचमुच में अभिभूत हो जाता हूँ, बचपन से हमें पढ़ाया गया, गाँव में बताया गया, पंडित जी कथा करने आते थे तो अंत में कहलवाते थे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की, हमने विश्व के कल्याण की कामना की है। ऐसा हमारा भारत, और ऐसा हमारा भारत आज नहीं जिसने हजारों साल पहले गाया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कामना करने वाला हमारा भारत, ऐसी भारत भूमि को मैं सचमुच प्रणाम करता हूं। और इस विचार को अगर दुनिया अपना ले तो फिर झगड़े किस बात के हैं, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, हम हमारे रास्ते चले, अंततः पहुंचेंगे वही। और मेरे बेटा बेटियों, आज इस छात्र संसद के डाइस पे खड़े रह के शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करता है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा, ये भारत भूमि कराएगी, इस देश के विचार कराएंगे। सचमुच में अद्भुत विचार हमारे। और मैं अगर सरकार चला रहा हूं, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं कहना चाहता हूं सरकार चला रहा हूं तो इसी विचार को लेकर चला रहा हूं। मुख्यमंत्री का जो हाउस है, सीएम जो हाउस है, मुख्यमंत्री निवास, हर साल होली मनाई जाती, दिवाली मनाई जाती है, लेकिन रोजा अफ्तार भी होता है, प्रभु यीशु का जन्मदिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम भी किया जाता है, वहाँ क्षमा वाणी का पर्व भी मनाया जाता है, सबके लिए खुला हुआ, सब विचारों का आदर करने वाला। सचमुच में ये हमारे भारत का विचार है, हमारे देश का विचार है। लेकिन जब सरकार चलाने की बात आती है तो इस छात्र संसद में कह रहा हूँ, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ तो कई लोग मुझे कहते हैं कि तीसरी बार बन गए आपको घमंड क्यों नहीं आता? अब सचमुच में लोकतंत्र है काय के लिए? लोकतंत्र इसलिए है, अभी बेटी हमारी कह रही थी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन जनता तक कहाँ तक रहती? केवल चुनाव तक, चुनाव के बाद जनता अलग और मुख्यमंत्री अलग, मंत्री अलग। मैं देवेंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री मंत्री बन के लोग समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, साला में तो सांप बन गया, अब कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके? देखने का भाव बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है। अरे मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कई लोग तो कारपोरेटर बन के ही बदल जाते हैं, पता नहीं क्या लगता है उनको कि हम क्या हो गए। वास्तव में लोकतंत्र है किस लिए? अपनी जनता की सेवा के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं, गाड़ी, गाड़ी पर लाल बत्ती, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, हीटर, हूटर, सायरन, दरवान साहब, सलूट, काय के लिए? ये इसलिए नहीं कि तुम दम और अहंकार से भर जाओ, केवल इसलिए कि तुम जनता की बेहतर सेवा कर पाओ, इसके लिए यह सारी व्यवस्थाएं। और इसलिए हमारा दर्शन, हमारा सोच हमें कहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा, आपने नाम सुना होगा, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हमारे वैचारिक मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन परमात्मा कैसे मिलेगा? तो वो कहते थे मैं नहीं जानता कि मंदिर में अगर जाके आप भगवान की पूजा करोगे तो वो प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान तुम्हें प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। ये दरिद्री तुम्हारा असली नारायण है, इसकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। मुझे हमेशा ये बात ध्यान रहती है कि मेरा आराध्य कौन है? मध्य प्रदेश की जनता, ये जनता मेरी आराध्य है। और इसलिए मेरा सूत्र वाक्य है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है,
उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। एक भाव से, इसी भाव से लगातार काम करने की कोशिश। कहते हैं तब दंभ नहीं, अहंकार नहीं, घमंड नहीं, 2400 घंटे केवल एक ही जिद, एक ही जुनून, एक ही जज्बा, और अच्छा कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं। और वो मध्य प्रदेश जो पिछड़ा कहलाता था, बीमारू कहलाता था, महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा था, आपको पता है नंबर एक का राज्य महाराष्ट्र था, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं जब मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र आता था तो मेरी ससुराल महाराष्ट्र में थी, बाई रोड में आता था तो ससुराल वाले चिढ़ाते थे, आ गए मध्य प्रदेश वालों, तुम्हारे यहाँ गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, ये तो बता दो, देख लो हमारा महाराष्ट्र। सड़कों का आता पता नहीं था, बिजली 2 घंटा 3 घंटे आती कम थी जाती ज़्यादा थी, बिजली नहीं आते थे, बिजली के बिल आते थे, छोटे मोटे नहीं लंबे चौड़े आते थे। पहले बिजली के तार से उंगली लगाओ तब करंट लगता था वहां, तो बिजली के बिल देख के झटके लग जाते थे। बिजली का आता पता नहीं था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, और ग्रोथ के मामले में सबसे पीछे रहने वाला मध्य प्रदेश। मन में आया कि इस मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के अग्रपंक्ति के राज्यों में ले जाके खड़ा करना है। तय किया कि सबसे पहले सड़क बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1,00,000 किलोमीटर सड़कें हमने पिछले 9 सालों में बनाई है, शानदार सड़कें, 1,00,000 किलोमीटर सड़क। और अब हालत यह कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आओ तो पता चल जाता है कि महाराष्ट्र में आ गए। अब देवेंद्र जी ठीक कर देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। हमने वहां सड़कें बनाई, फिर मैंने तय किया, संकल्प लिया, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 24/7 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार किया था। मैंने मध्य प्रदेश में अफसरों को बुलाया, मुझे 24 घंटे बिजली देना है। कह लगे सर मजाक मत करो, कहने के लिए अच्छा लगता है, कैसे दे दोगे, कहाँ से दे दोगे, असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्द शिवराज के शब्द कोश में नहीं है, मैंने तय किया इसलिए होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं विस्तार में जाऊँ। हमने नए पावर प्लांट लगाए, प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट लगाए। अभय फरोदिया जी अभी बता रहे थे, उनको पता है पहले पीथमपुर में क्या हाल थे, लेकिन आज गर्व के साथ मैं कहता हूँ बेटे बेटियों 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश के गाँव में भी देने का चमत्कार हमने करके दिखाया है। उद्योगों को बिजली, छात्रों को बिजली, घरों में बिजली, सिंचाई के लिए बिजली, 24 घंटे बिजली के बिना कुछ नहीं है। रहीमन बिजली राखिए बिन बिजली सब सून, कोई प्रगति आप कर ही नहीं सकते। मैं मुख्यमंत्री बना तो 2900 मेगावाट बिजली थी, आज मध्य प्रदेश में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का काम हमने किया, उपलब्धता करने का काम किया है। फिर सवाल आया पानी का, सिंचाई की योजना, जैसे महाराष्ट्र में आश्चर्य होता कैसे कैसे लोग थे, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए आ गए, लेकिन डैम नहीं बने, नहरें नहीं बनी, आश्चर्य होता ये हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री बना तो 7.5 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी, और आज बहनों और भाइयों 30 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की क्षमता स्थापित करके हमने दिखाई, किसानों को खेत में पानी देने का काम किया। और मालवा का पठार हमारा काफी ऊपर था, अभय जी जानते हैं, नर्मदा जी नीचे थी। मुझे नर्मदा जी के पानी के अलावा मालवा में हालत ये थी कि रेगिस्तान बन रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो रेगिस्तान बनेगा, हजार हजार फीट पानी जमीन में नीचे चला गया, हमका रेगिस्तान तो नहीं बनने देंगे। तरीका क्या है, बोले पानी लाओ, पानी कहाँ से लाएं, एकमात्र स्रोत था नर्मदा जी के पानी को, हम लिफ्ट करें 350 मीटर और 90 किलोमीटर ले दूर ले जाके छिपरा में डालें। मैंने फिर बुलाया विशेषज्ञों को और अफसरों को, मैंने कहा नर्मदा जी का पानी छिपरा में ले जाना है। कह लगे सर नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, शिवराज मुख्यमंत्री तो जरूर होगा। 13 महीने में हमने नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके छिपरा जी में डाल दिया। और 2016 में अप्रैल में सिंहस्थ होगा, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूँ, तो नर्मदा और छिपरा मैया के निर्मल जल में स्नान कीजिएगा। पहले बांध का पानी आता था, 16 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था, 3,000 गांवों को पीने का पानी, 72 शहरों को पीने का पानी, इंडस्ट्रियल वाटर की व्यवस्था, अगर ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। और इसी कारण हमने खेती में चमत्कार किया। आप जानते हो कृषि विकास दर क्या है मध्य प्रदेश की, बिफोर लास्ट ईयर थी 18.91%, लास्ट ईयर थी 20%, और इस साल है 24.99%। देश नहीं दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में करने का काम हम लोगों ने किया है। और पहले माननीय शरद पवार जी, मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे कहा
कि मध्य प्रदेश को शुरू शुरू में मैं मुख्यमंत्री बना था, हमका थोड़ा गेहूं का ज़्यादा आवंटन हमारे गरीबों को कर दो, तो मुझे उन्होंने कहा कि प्रिक्योरमेंट तो करते नहीं हो, 10 क्विंटल तो आता नहीं है, पंजाब हरियाणा वाले प्रिक्योर करते हैं और मांगने आगे कि दे दो गेहूँ, दे दो गेहूँ, दे दो गेहूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में गेहूँ के उत्पादन में पहले बाकी राज्यों को पछाड़ा, पिछले साल हरियाणा को पछाड़ा, इस साल पंजाब को पछाड़ा और मध्य प्रदेश नंबर एक हो गया केंद्रीय पूल में। सबसे ज़्यादा गेहूँ देने वालों में से अब मध्य प्रदेश है। हमने कोशिश की खेती लाभ का धंधा बने। देवेंद्र जी भी आते इस समस्या से जूझ रहे हैं, खेती हमारी संकट में, किसान घाटे की खेती करता है। हमने तय किया घाटे की खेती नहीं, फायदे का सौदा बनाएंगे खेती को, और इसलिए अनेकों उपाय किए, उनके विस्तार में जाने का मेरे पास समय नहीं है। आज मध्य प्रदेश में 0% ब्याज पे कृषि ऋण देने के अलावा अनेकों हमने कदम उठाए, सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने बढ़ा के 30% कर दिए और अनेकों कदम उठाए। कृषि में आज मध्य प्रदेश नंबर एक है। यूपीए की सरकार ने 2 बार कृषि कर्मण अवार्ड माननीय शरद जी पवार जी और राष्ट्रपति जी देते थे, और अब हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड देने जा रही है। लगातार हमने कृषि के क्षेत्र में प्रयास किया, लेकिन केवल खेती नहीं, अब हमारा टारगेट है कृषि के साथ साथ उद्योग, अब निवेश लाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योग आए, केवल मैं ये नहीं चाहता। मैंने मध्य प्रदेश के नौजवानों से कहा, बेटे बेटियों तुम आगे आओ, उद्योग लगाओ। तो उनने कहा, मामा जी बात तो ऐसे कर रहे हैं कि इतने आसान काम है, आगे आओ लगा दो, लगा काय मिले। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है उद्योग लगाने के लिए। नंबर एक, टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने अपने बच्चों से कहा हम देने में पूरी मदद करेंगे। नंबर दो, जो प्रोडक्ट आप बना लो उसकी मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, उसमें सरकार सहयोग करेगी। बच्चों ने कहा कि मामा लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बता दो पैसा कहाँ से आएगा। हमने तय किया मेरे बेटा बेटियों कि मध्य प्रदेश का जो भी नौजवान लघु कुटीर उद्योग लगाने आगे बढ़ेगा, हम ये 2 चीज़ तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हमने बैंकों से कहा कि बच्चों को उद्योग के लिए लोन दो, उनका गारंटी इनके माता पिता ले ले तो हम लोन दे देंगे। हमका गारंटी के लिए पैसे होते तो तुम्हारे पास लोन लेने क्यों आते, उनका सर बिना गारंटी के तो नहीं देंगे। हमने बैंकों से कहा चिंता मत करो, हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई, और कहा बच्चों से कि 10 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक का लोन तुम्हें बैंक देंगे, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अफसरों ने कहा मर जाएंगे सर, खजाना खाली हो जाएगा, खा पी के ये बच्चे निकल गए इधर उधर तो पैसा वापस कहाँ से आएगा। लेकिन मुझे नौजवानों की शक्ति पर पूरा विश्वास है, उद्यमता का गुण महाराष्ट्र में पहले से, गुजरात में पहले से, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग बड़े संतोषी रहे हैं कि ज़्यादा चक्कर में कौन पड़े, जैसा आए जितना आए उतने ही खाओ और अपना काम चलाओ, लेकिन उद्यमता का गुण हम अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। मेरे बेटा बेटियों, हमने मध्य प्रदेश में वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है। मैंने बच्चों से कहा है कि इनोवेटिव आइडिया आज हो तुम्हारे पास तो आगे आओ बनाओ कोई कंपनी। अब देखो चमत्कार हो रहे हैं, आज देखिए व्हाट्सएप के बाद फेसबुक, ट्विटर, कुछ लोगों ने शुरू की और कहां से कहां पहुंच गई। तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। आइडिया आ जाकर है तो उसके लिए पूंजी चाहिए। हमने बनाया वेंचर कैपिटल फंड और तय किया कि अगर ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया कोई भी नौजवान या नौजवानों का समूह लाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार उस कंपनी में अपने शेयर के लिए पैसा देगी, शेयर लगाएगी। वेंचर कैपिटल फंड 100 करोड़ रुपए का हमने बनाया है, और जिस दिन वो कंपनी खड़ी हो जाएगी हम अपने शेयर वापस निकाल लेंगे, फिर दूसरी कंपनी में लगा देंगे, तीसरी कंपनी में लगा देंगे, एक एक करके हमारे बच्चे ऐसी कंपनी खड़ी करते जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने का काम करें। यहाँ इंजीनियर्स कई बैठे होंगे, हमने मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना बनाई और उसमें तय किया, अब इंजीनियर कई बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, मामा हम क्या करें। मैंने कहा तुम कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं बन जाते। हमने मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना बनाई और उसमें तय कर दिया कि हमारे जो नौजवान इंजीनियर हैं वो अगर पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलेंगे तो इतनी सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लाइट मेट्रो ट्रेन आनी है, नहरें बन रही है, बांध बन रही है, कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, नौकरी काहे को करते हो। लेकिन बने कैसे, हम ट्रेनिंग देंगे, एकेडमिक ट्रेनिंग भी देंगे, फील्ड की ट्रेनिंग भी देंगे, और ट्रेनिंग के दौरान तुमको भत्ता भी देंगे, और उसके बाद तुम्हारे पास सारे उपकरण सड़क बनाने के आ जाएं, दूसरी चीज बनाने के आ जाएं। इसलिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन और उसकी गारंटी भी लेने का काम करेंगे।
500 इंजीनियर्स का पहला बैच निकला है, तो धीरे धीरे निवेश। अब स्किल डेवलपमेंट के मामले में महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है, कराड़ साहब भी मुझे बता रहे थे सचमुच में चमत्कार यहाँ हुआ है। हम मध्य प्रदेश में वो चमत्कार करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक सत्र यहाँ हुआ है, लाडली लक्ष्मी का जिक्र हो रहा था। सचमुच में कहती हूँ, मन में वेदना होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि बेटा और बेटियों में जन्म के साथ भेद किया जाता है। महाराष्ट्र में कम होता है लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा होता है। बेटे कम, बेटे ज्यादा और बेटियां कम, ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता है। बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बिटिया आए तो आने के पहले ही दुनिया से विदा कर दी जाए। और ये धरती वो है जहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, तब मुख्यमंत्री नहीं था, मैं इनका बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानूं, तो एक माता उठ के खड़ी हो गई, भाषण तो खूब दे रहे हो लेकिन ये तो बता दो बिटिया की शादी में दहेज की जरूरत पड़ी तो इंतजाम क्या आप करोगे। मुझे लगा बात तो सच है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हमने तय किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब है बिटिया के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे और उसका फायदा ये होगा कि वह पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2,000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी 4,000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी 7,500, ग्यारहवीं और बारहवीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, मिड डे मील तो मिलता ही है, साइकिल दूसरे गांव जाए तो निःशुल्क, अलग अलग स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बारहवीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वाले शादी की चिंता भी नहीं करते। बेटी की मामा मुख्यमंत्री, भांजियों की शादी में कोई कर्जा थोड़ी लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, बेटियों की शादी भी हम करते हैं। 33% नहीं, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनावों में, सरपंच से लेकर मेयर तक के जो चुनाव होते हैं 50% बेटियां लड़ेंगी, 50% बेटे लड़ेंगे, लेकिन बेटों की गारंटी नहीं है। बेटों की सीट पे बेटियां खड़ी हो सकती है, बेटे बेटियों की सीट पे खड़े नहीं हो सकते। इसलिए पिछली बार 56% चुन के आई थी और अब तो हमने बाकी शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% आरक्षण किया और अब पुलिस की भर्तियों में भी 30% रिजर्वेशन। बेटियों के हाथ में वर्दी पहना के डंडा दूंगा तो गुंडों की अकल ढंग से ठिकाने लगाने का काम भी होगी। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम। मैंने कहा वक्त की कमी है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की भी यहाँ बात हुई है, छात्र संसद में उसकी चर्चा भी हुई है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने सारे गरीबों के लिए, वोट के लिए नहीं, ईमानदारी से कहता हूँ, हमने तय किया कि भैया सब बच्चों को कम से कम 2 समय भरपेट भोजन तो मिले। गरीबों के बेटा बेटियों को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। इसलिए 1 रुपया किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो चावल, कई लोग उनका टैक्स पेयर का पैसा लुटाए जा रहे हो। मैं इनका बताओ, भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं? तो लोगों इनका बनाई। पानी सबका है कि नहीं? बोले सबका है। खदाने सबके लिए बनाई कि नहीं? बोले सबके लिए बनाई। हमका लेकिन यह प्राकृतिक संसाधन, इसका उपयोग तो सब नहीं करते, कुछ लोगों के हाथों में ये है, वो पैसा कमाते हैं, जो पैसा कमाएंगे उनसे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ हैं उनको सस्ता देने का काम करेंगे तो मामला बराबर हो जाएगा। सामाजिक न्याय, मैनुअल लेबर, आप पश्चिम के देशों में चले जाएं मिलते नहीं हैं, और काम करते हैं तो पैसा कितना लेते हैं, हमारे यहाँ पैसा कम मिलता है तो चीज़ें सस्ती दे के हम कंपनसेट करने का काम करते हैं। सस्ती रोटी मिल जाए, मकान बन जाए, उसकी योजना हमने बनाई मध्य प्रदेश में, 15 लाख मकान 5 साल में बनाने का काम करेंगे। बीमार अगर हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हो जाए, दवाई चाहिए उसकी ज़रूरत है, और इसलिए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ निःशुल्क, अब तो कीमोथेरेपी तक निःशुल्क करने का काम मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हमने किया है। पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था की है, गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें इसलिए अलग अलग स्कॉलरशिप तो है ही, ST के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, SC के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, पिछड़े वर्ग को बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, लेकिन सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। एक बेटा आया, छठवीं पढ़ता था, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा, मामा क्या मुझे कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? मेरा अपराध क्या है? मेरा दोष क्या है? मैंने कहा बेटा तुझे मिलती क्यों नहीं है?
बोले मैं ब्राह्मण के घर पैदा हो गया मामा, लेकिन गरीब तो मैं भी हूँ, मेरा अपराध क्या है। बात कलेजे में तीर की तरह चुभ गई और उसी दिन हमने तय कर दिया कि अब सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दिया अलग अलग कई तरह की योजनाएं। अगर हॉस्टल में जगह नहीं मिली, गरीब बेटा बेटी है, SC ST के भी बेटा बेटी हैं, पढ़ते नहीं थे, आदिवासी बेटा बेटी पढ़ाई छोड़ देते थे। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? बोले हॉस्टल में जगह नहीं मिली, किराए का कमरा लेके पढ़ने की सामर्थ्य माता पिता की है नहीं। तो हमने मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना बना दी और तय कर दिया कि अगर कोई बेटा बेटी किराए पे कमरा लेके, गरीब SC ST का है, किराए पे कमरा लेके अगर वो पढ़ाई करेगा तो कमरे का किराया भी उसके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उसका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। एजुकेशन लोन देने में आप देखो कितनी नानुकुर बैंक करते हैं, हमने वहां भी तय कर दिया कि चिंता मत करो, गारंटी हमारी है, सरकार ने गारंटी लिए, बच्चों को दो एजुकेशन लोन, बनने दो डॉक्टर इंजीनियर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने दो, लोन दो, लोन को वापस करने की गारंटी हम लेंगे, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम हमारे बेटा बेटियों को मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करने का काम किया है। अब मैं बात बढ़ाऊंगा तो काफी बड़ी हो जाएगी। गुड गवर्नेंस की एक अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देवेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम का स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। करप्शन, इसको जड़ से काटना पड़ेगा और इसके लिए सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आदमी का ठिकाना नहीं कब फिसल जाए, कब गड़बड़ हो जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 3 चीज़ें की। नंबर 1, हमने सिस्टम में बदलाव करके ई टेंडरिंग, ई पेमेंट और ई मेजरमेंट की व्यवस्था लागू की। ई टेंडरिंग करने का काम हमने मध्य प्रदेश की धरती पर शुरू किया और जिससे कार्टेल नहीं बन पाए उसकी हमने व्यवस्था करने का काम किया। ई पेमेंट मतलब खाते में पैसा चला जाए ठेकेदार के, इस बात की हमने व्यवस्था की। और ई मेजरमेंट ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि ऑफिस में बैठ के ही पता चल जाए कौन सा काम कितना हुआ है और ठेकेदार को चक्कर नहीं लगाना पड़े और खाते में पैसा चला जाए, इस बात की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। दूसरा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, जिसका बाद में कई राज्यों ने अनुसरण किया, वो बनाया। और तीसरा, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो स्पेशल कोर्ट बना के उसकी संपत्ति राजसात करने का फैसला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसके कारण कई ऐसे भ्रष्टों की संपत्ति हम लोग राजसात कर चुके हैं, जो काम देवेंद्र जी भी कर रहे हैं। और अंत में छात्र संसद में एक प्रस्ताव पास करने की अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। करूं क्या? करूं? देखिए, आज हमारे देश में और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन हर साल 2400 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है, चुनाव लगातार होते रहते हैं। एक चुनाव होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से विकास के काम में लगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो दूसरे चुनाव आ गए। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, हरियाणा का चुनाव हो गया, फिर झारखंड में चुनाव हो गया, फिर दिल्ली में चुनाव हो गया, उसके बाद दूसरे चुनाव आएंगे। मध्य प्रदेश में 1.5 साल से मैं चुनाव ही करवा रहा हूँ, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगरपालिका, कभी पंचायतें, कभी सहकारिता, ये सारे चुनाव विकास में बाधा है। उसे छात्र संसद एक प्रस्ताव पास करें, क्योंकि अकेले सरकार नहीं कर पाएंगी, अकेले प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर पाएंगे, पूरे देश में कंसेंसस बनानी पड़ेगी, एक राय बनानी पड़ेगी कि संविधान में संशोधन करो और सारे चुनाव संशोधन करके एक साथ करो। सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, लोकसभा के, विधानसभा के, एक साथ हो। नंबर 2, कार्यकाल स्थिर कर दो 5 साल, अगर पहले कोई सरकार भंग हो गई तो लीडर चुनो और 5 साल तक चलाओ। और नंबर 3, अगर उपचुनाव हो, भगवान ना करे हो, लेकिन कई बार कोई ऊपर चला गया तो फिर से चुनाव की जरूरत ही नहीं है, या तो दूसरे नंबर के कैंडिडेट को घोषित कर दो या जो पार्टी जीती है उसको ही कह दो तुम अपना MLA MP बना लो। और सबसे अहम बात है कि भ्रष्टाचार की जड़ है महंगा चुनाव, इसलिए सारे चुनाव में स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होना चाहिए, चुनाव का सारा खर्चा सरकार करे, पोस्टर पैम्फलेट छपाए और उसके अलावा एक नया पैसा भी कोई उम्मीदवार खड़ा करे तो उसको चुनाव के बाहर कर दिया जाए। यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मेरे इस प्रस्ताव का दोनों हाथ उठा के, मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के छात्र संसद समर्थन करे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। और अंत में शुभकामनाएं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बारिण्य बहुता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रोको मत। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।